हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल। तो यूएसडी आईएनआर के एनालिसिस वीडियो में आपका यहां पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूएसडी आईएनआर में जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, मोमेंटम उसी डायरेक्शन में यहां पे जा रहा है और क्लियर कट यहाँ पे मोमेंटम है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको बता दिया था कि पॉजिटिव साइड में यहाँ पे ज्यादा फोकस करिएगा रेदर देन ऑन नेगेटिव साइड। तो वेनसडे को यूएस डाटा आने वाला है, तो वेनसडे तक अगर यूएस डॉलर के फेवर में यहाँ पे कुछ न्यूज आती है तो ये ब्रेकआउट फिर काफी ऊपर तक यहाँ पे 84 के लेवल तक इसको लेके जा सकता है। यहाँ पे देखिए, एक तो बड़े ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है जो ब्लैक कलर की लाइन से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ब्लू कलर की लाइन में हटा देता हूँ, इस वाले ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट एज वेल एज एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे जो कि रेड कलर की लाइन से मैंने बनाया है, इसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मोमेंटम यहाँ से आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन अगेन अप मूव, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देन डाउनफॉल, देन अगेन यहाँ पे अप मूव, एंड नाउ इट इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं। और इसकी नेक लाइन यहाँ पे मैं बता देता हूं कहाँ पे है इसकी नेक लाइन डबल बॉटम पैटर्न की, तो ये इसकी नेक लाइन है। तो क्लोजिंग काफी बढ़िया है इसकी, आज के ट्रेडिंग सेशन में 83.27 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये नेक लाइन को ब्रेक यहाँ पे कर चुका है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैक्सिमम मान के चलिए, इस ट्रेंड लाइन दैट इज 83.10 पैसा यहाँ पे, अगर यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन होते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। या फिर इसके ऊपर 20 पैसे के ऊपर ओपन हो गया, देन ऑल्सो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। और जैसे ही अपने हाई को दैट इज 83.42 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे ये मोमेंट इसे 83.70 एंड देन 84 के लेवल तक यहाँ पे लेके जा सकता है। रादर यहाँ पे कोई नेगेटिव, मतलब इसके अगेंस्ट में न्यूज नहीं आनी चाहिए, अगर नेगेटिव में आता है तो यूएस डॉलर है आपको पता है, इमीडिएटली ये यहाँ से रिवर्सल भी ले लेता है, क्योंकि अब जो है न्यूज बेस्ड इवेंट बेस्ड मार्केट यहाँ पे चल रही है। तो जो इसके ऊपर जो भी डाटा आने वाला है उस पे अब मार्केट यहाँ पे डिपेंड करने वाली है। स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे यूएस डॉलर यहाँ पे काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मोमेंटम 84 के लेवल तक ये जा सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, कोई भी डिसीजन लेंगे अपनी एनालिसिस के बेस पर ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।